प्रदेश सरकार आमजन को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लाख दावे पेश करे, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सुविधा लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। खरगोन जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, इसमें मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लेने विधायक रवि जोशी पहुंचे और उन्हें जानकारी में आया कि दवाओं से लेकर सामान्य जांच के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो उन्होंने सिविल सर्जन को जमकर लताड़ लगाई। विधायक ने बताया कि भाजपा सरकार की वापसी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। विधायक ने चेतावनी दी कि आगामी दिनों में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। जब इस संबंध में सिविल सर्जन से जाना चाहा तो वह जवाब देने से इनकार करके अपना दामन बचाते नजर आए। सीएमएचओ रजनी डावर ने भी स्वास्थ्य सुविधा को शासन की मंशा से परे बताकर खुद को दरकिनार कर लिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप हमेशा सहमत हो जाते, व्यवस्था करते नहीं। मैं कल से बात सुन लो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। जनता को तकलीफ होगी, जनता को तुम बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हो, बाहर की जांचें लिख रहे हो, घर से लोग बेडशीट ला रहे हैं, घर से कंबल लेके आ रहे हैं, ये क्या है? लोग पीने का पानी तक घर से लेके आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय किस काम के लिए? 700 के इंजेक्शन बाहर से लगाए जा रहे हैं, 700 का इंजेक्शन जो उपलब्ध है। इस तरीके से अगर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की अगर ऐसी व्यवस्था है तो निश्चित ही हमको कोई कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, विधायक साहब से मिले आप? मेरा नाम है आरिफ खान, ये मेरा भतीजा फारूक खान यहाँ पर भर्ती हुआ है, उससे डेंगू हो गया है और यहाँ से इंजेक्शन लेकर बोल रहा है कि 700 का इंजेक्शन बाहर मिल गया, यानी इंजेक्शन मिल गया और CBC की जांच, यहाँ जांच नहीं हो रही है, ये जांच से बाहर हो रही है बता रहा हूँ। मतलब यहाँ का फिर इलाज क्या हो रहा है? इलाज कुछ भी नहीं हो रहा ना, बोला बाहर से लेके आओ, ये बाहर जांच बाहर से करवाओ और दवाई गोली भी है, इंजेक्शन भी बाहर से लेके आओ। अभी बाहर से मेडिकल से आप मिले क्या काम? विधायक साहब ने बोला कि यहाँ से इनको उपलब्ध कराया जाए इंजेक्शन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरिफ खान। नहीं दे रहे, उनका ये भी कहना है कुछ कमियां हैं जिसको करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो है कमियां करने की कोशिश की जाएगी। मैम एक्सरे को लेकर भी है, फिर उसके बाद में यहाँ CVC की चेक नहीं हो रहा है। इसके लिए अभी अपने जिले के लिए आउटसोर्सिंग की जा चुकी है, जो शायद अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शीघ्र शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। केवल सुबह परेशानी है क्योंकि इक्विपमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं आ पाए थे, जो अभी तक आ जाना चाहिए, शायद वो लगभग सभी वार्ड में बेड सीट नहीं है मैम, जबकि बेड सीट नियमित आती है। ये बात तो मैं जितने बार भी रॉन्ग पर यहाँ पर आई हूँ, चैनल बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिखी थी और अपने सामने की मतलब बेड शीट मैंने करवाई है और मंगवाई। बिल्कुल, ये तो वार्ड इंचार्ज रहती है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो लोग रेबीज के इंजेक्शन नहीं है मैम यहाँ पर, रेबीज के इंजेक्शन नहीं है बाहर से। इंजेक्शन जो है वो चूँकि अभी सेंट्रल से हम आते हैं, डायरेक्ट वहाँ से आते हैं और जिसके लिए अभी यहाँ पर कमी हुई है, जो कल उसकी पूर्ति भी कर दी गई थी और अभी जो CMHO ऑफिस में जो है उसको हम यहाँ भी देकर। मैडम सिविल सर्जन से बात करना चाहें तो बात ही कर पाते, कभी जवाब ही नहीं दे पाते। देना चाहिए उनको जवाब, कारण क्या है ये बताता है। कलेक्टर मैम ने निरीक्षण किया था, उन्होंने भी कई तरह की अनियमितताएं पाई थी, उसके बाद भी अभी तक अस्पताल में कोई सुधार नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ दादाजी मैंने जैसे अब बता रही हूँ, हाँ दवाइयाँ मुझे अभी मालूम पड़ा कि दवाइयाँ बाजार से लिखी गई हैं, पर दवाइयाँ बाजार से लिखी जाना बिल्कुल गलत बात है। और यदि जाँचें बाहर से हो रही है, जाँचें भी डेंगू की बाहर, जाँचें तो डेंगू की हमारे यहीं पे क्योंकि सैनिटल लैब है यहाँ पर, तो डेंगू की जाँच तो यहीं होनी चाहिए। मैम डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, तो सभी जगह सर्वे किया जा रहा है, सभी लोगों को मतलब हमारे रीजनल लेवल से भी अधिकारी आए हैं, मलेरिया से एक PPT सर्वे को भेजा गया है जिसके द्वारा हमारे सभी ब्लॉक में हम लोगों को स्टाफ है जितना फील्ड वर्कर उसको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और पूरी कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है, पहुँचे कई अव्यवस्थाएँ भी देखने को मिली यहाँ पर, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, उसमें कई अव्यवस्थाएँ देखने को मिली है। मेडिकल वार्ड और मेडिकल वार्ड के बाहर जो मरीज भर्ती है उनको जो बेड है किसी भी बेड के ऊपर बेडशीट नहीं है। मैंने प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र जोशी से जब चर्चा करी कि मरीजों को
पलंग के ऊपर बेडशीट क्या व्यवस्था सरकार नहीं दे रही, उन्होंने कहा नहीं देती है, लेकिन हमारे तरफ से अभी धोबी उपलब्ध नहीं है। मैंने डॉक्टर जोशी से तत्काल निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं का सुधार दो दिन के अंदर हो जाना चाहिए। बेड कहीं फटे हुए हैं, कहीं नरियल की रस्सियाँ बेडों पर आ रही है, कहीं फोम बेडों पर आ रहे हैं। मरीजों को समय पर से दवा नहीं दी जा रही है, मरीजों को बाहर की दवा और बाहर की जाँचें लिखी जा रही है। तत्काल निर्देश दिए और सरकारी अस्पताल से उन दवाओं का मरीजों को व्यवस्था करने के लिए बोला। डेंगू की जांचें भी नहीं हो रही है, बाहर से करवा। डेंगू की महामारी कोरोना के साथ साथ खरगोन नगर और खरगोन जिले में डेंगू ने अपने पांव फंसा लिए। जिला चिकित्सालय की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था डेंगू के रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आज माननीय कलेक्टर जी से भी अभी शाम को चर्चा करूंगा कि डेंगू के लिए भी हम सतर्क रहें, कोरोना के साथ साथ डेंगू को भी हमको रोकना है ताकि डेंगू के पेशेंट न बढ़े। सीबीसी जांच 2 महीने से नहीं हो रही है। आज सारी विषयों पर अव्यवस्थाओं को लेकर जिला अधिकारियों से चर्चा करेंगे, हम शाम को बैठेंगे और व्यवस्थाएँ जो अव्यवस्थित व्यवस्थाएँ हैं उन पर चर्चा करके व्यवस्थित व्यवस्थाएँ करने के प्रयास करेंगे। और अगर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब एक उग्र आंदोलन करने की तैयारी करें। भैया देखा गया सीबीसी की जांच जब बंद थी, सिविल सर्जन से बात की गई थी, उनके द्वारा कहा जाता है कि कोरोना की जांच ज़्यादा हो गई इसलिए अभी सीबीसी की जांच हमने बंद कर दी है। पूरा देखा कि सारा प्रशासन इस वक्त अस्पताल प्रशासन अपनी मनमानी में लगा है। पिछले दिनों हमारी एक बेटी भर्ती थी जिसका बड़ा आंदोलन चला, उसका बच्चा रात में शांत हो गया। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है इस जिला चिकित्सालय में। हम पुनः जो प्रभारी अधिकारी है वो और जिला चिकित्सा अधिकारी इनसे आज आखिरी निवेदन करेंगे कि आप व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी सुधारें, मरीजों को व्यवस्था दें, मरीजों को यहाँ से इंदौर, गरीब मरीजों को इंदौर न भेजें, क्योंकि बहुत इंदौर का इलाज बहुत महंगा पड़ता है। उसके अभाव में लोग, कई लोग ऐसा होता है कि यहाँ से इंदौर रेफर कर देते हैं सीरियस मरीज को, तो रास्ते में ही उसका दम टूट जाता है। अगर उसका यहाँ इलाज होगा तो प्रॉपर इलाज हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।